ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 नवंबर 2021 और अभी बज रहा है रात के 11:30 और यहाँ पे अपना ऑमलेट भी बन रहा है भाई, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख इसलिए अभी मैंने 4 अंडों का ऑमलेट बना रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, क्योंकि काम करते करते कभी कभार भूख लग जाती है और मेरी आदत भी है भाई कि रात को पता चला मैं 2 बजे खाना बना रहा हूँ मतलब खा रहा हूँ या 3 बजे खा रहा हूँ, सुबह सुबह 6 बजे खा रहा हूँ, इसीलिए अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और आई नो कि इसके बाद भी मुझे अभी भूख लगेगी शायद 3 या 4 बजे के आसपास, तो मैं फिर बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे पलट जाएगा, यार एक चीज़ और, हम लोगों के चैनल पे भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हालांकि मैं लास्ट वीडियो में भी थैंक यू बोला था, इस वीडियो में भी मैं फिर से आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी सब्सक्राइबर हैं अपने एंड जो भी चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं भाई, उन सबको भाई तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको भी कि भाई अपने चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे ही प्लीज़ प्यार करते रहिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो भाई डेली आए, या डेली नहीं भी आए तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस आए, थोड़ा और सपोर्ट करो तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टारगेट 50,000 या 50,000 तो फिलहाल बहुत दूर है, कोशिश करेंगे कि भाई 20,000 तक पहुँचें जल्दी, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग टारगेट रखेंगे भाई 50,000 का। हालांकि ये मैंने अपडेट ऑलरेडी आपको इंस्टाग्राम पे दे दी थी कि हम लोगों के 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5-6 दिन पहले पूरे हो चुके थे, तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड चलो अभी हम काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है यार। और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना भूल गया कि अभी जो ऑमलेट के लिए मैंने प्याज और मिर्ची काटी है ना, वो मैंने इस चम्मच से काटी भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इस वाले घर में जैसे आप लोगों को पता है कि कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे सामान भी है नहीं कुछ, मतलब वैसे तो है थोड़ा बहुत सामान, बट एक्चुअली छुरी भी थी चाकू भी था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, ऐसा मिला ही नहीं, तो फिर मैंने कहा अब खाना है तो फिर ये कैसे आ रही, मैंने कहा यार खाना है तो फिर अब काटना तो पड़ेगा ही, तो फिर मैंने चम्मच से वैसे काटा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी गंदगी भी बहुत है, तो मुझे यहाँ की सफाई भी करनी पड़ेगी, तो आगे चल के आज या कल में अगर फ्री होते हैं तो यहाँ की सफाई भी करते हैं, फिर सबसे पहले मुझे चाकू ढूंढना पड़ेगा, अगर चाकू नहीं मिला तो फिर मुझे चाकू नया लेके आना पड़ेगा। तो गाइस बहुत दिनों से कोई मोटो व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने आज सोचा कि भाई मोटो व्लॉग किया जाए, और ये रेलवे क्रॉसिंग है भाई, इसका पता नहीं ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज जो भी बनना हो कब बनेगा। अच्छा पता है मोटो व्लॉग सबसे इजी तरीका है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि इसमें अरे यार ये तो सडनली ये कौन सा मार्केट लगने लग गया भाई सर्दी के लिए, यहाँ पे ये ग्वालियर रोड पे देखो रोड के किनारे पूरा भाई मार्केट लगा हुआ है, ये जैकेट वैकेट मिल रही है बढ़िया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मोटो व्लॉग ना सबसे इजी तरीका है व्लॉग करने का, क्योंकि इसमें आप कैमरे के पीछे होते हैं साथ में हेलमेट के अंदर होते हैं, तो थोड़ा सा कम्फर्टेबल होता है। वैसे भी झांसी में जिसने भाई व्लॉगिंग कर ली वो कहीं पे भी कर सकता है।
और वैसे अभी चलते हैं थोड़ा सा ATM, थोड़े से पैसे निकालते हैं और कुछ सामान चाहिए सामान लेते हैं। और पहली चीज़ तो भाई चाकू लेना है, रात को ऑमलेट के लिए भाई प्याज मैंने चम्मच से काटी थी, हद हो गई मतलब। तो सबसे पहले चाकू लेंगे हम लोग, ठीक है। और अब की बार अब जो भी बनेगा तो भाई प्याज टमाटर मिर्ची सब हम चाकू से काटेंगे। यार बहुत टाइम लगेगा। यार सरकार ने इतने पैसे खर्च करके देखो बढ़िया यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है भाई, यहाँ पे मैंने आज तक किसी की सेल्फी नहीं देखी किसी ने ली हो। यार उस वाले ATM में तो नहीं है पैसे, दूसरे में देखते हैं। निकल जा भाई। निकल गए। देख भी रहा हूँ मैं, इसमें नहीं देखता हूँ। खुले खुले पैसे जितने भी हैं सारे खुले पैसे भाई। ये जो ATM है ना जिससे मैं पैसे निकालता हूँ, ये वी मार्ट के जस्ट बगल वाला है। एक किस बैंक का ATM है? IDBI का। ये वाला ATM है भाई। ये इस ATM की पता है खासियत है पता है क्या है? इसमें आप चाहे 500 रुपये निकालो चाहे 10,000 रुपये निकालो, 10,000 निकालोगे तो 500 के खुले आपको 100-100 के देगा ज़रूर। मैं ना इस मार्केट की बोल रहा था भाई, ये तो बहुत तगड़ा मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है यार। जैकेट और लेडीज़ जेंट्स भाई सबके लिए माल उपलब्ध है यहाँ पे। आके ग्वालियर रोड पे आइए, देखो रेलवे क्रॉसिंग है ग्वालियर रोड वाली, उसी के पहले। यार 4:45 होने वाले हैं ना, एक काम करते हैं अभी चलते हैं वापस घर, और क्योंकि जिम भी जाना है, जिम करेंगे 5 से 6 और 6 बजे के बाद सर देखते हैं।